कुछ ज्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो गाड़ी की पावर है यार, वो बहुत अच्छी पावर है गाड़ी की यार। गाड़ी में जो काम कराया हो, एक नंबर काम कराया हो भैया ने। बाकी जो इसका आप सस्पेंशन बोल सकते हो वो भी बहुत अच्छा है। तो गाड़ी की पिकअप आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैसी आ रही होगी, बहुत अच्छी पिकअप है गाड़ी की यार, बढ़िया एकदम टॉर्क गाड़ी में मज़े से आता है। आप ये देख पा रहे होगे। एक बार फिर स्वागत है आपका राइड इन माय व्हीकल एक न्यू वीडियो में। मैं आपका दोस्त पारस मल्होत्रा आज आपके लेकर आया हूँ एक बढ़िया सी एकदम होता है ना, एकदम हरियाणवी की शान, जाटों की पसंद स्कॉर्पियो। आप देख पा रहोगे जहाँ मैं आया उसको शूट करने। अगर मैं आपको उसको दिखाऊँ एक बार तो आप ये देख पा रहोगे आप मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ DLF मोती नगर। और कितना प्रीमियम सोसाइटी यार, ये बहुत ही बड़ी सोसाइटी यार, ये इसको देख के एक बार के लिए मज़ा ही आ गया। बाकी आज मैं आपको इस कार का पूरा एक वॉकराउंड दिखाता हूँ। आप ये देख पा रहे होगे जिस गाड़ी है ये पूरी मॉडिफाइड गाड़ी है, मतलब कंपनी से एक चीज़ भी नहीं निकली हुई है यहाँ पे लगाई हुई, एक चीज़ भी नहीं कही हुई, एक चीज़ भी इस कंपनी में एक चीज़ भी इस नहीं लगाई हुई, सब कुछ बाहर से फिटेड है। और इतना प्रीमियम लगता है, इतना प्रीमियम लगता है क्या ही बताऊँ। ये मेरे जाटो भाइयों की सबसे फेवरेट गाड़ी लगती है, मुझे लगता है सबसे बेस्ट गाड़ी लगती है उनको, और मेरे सरदारों भाइयों की बहुत ही प्रीमियम लगती गाड़ी। आप देख पा रहे होगे इतनी प्रीमियम गाड़ी। पीछे से जो काम कराया हो गाड़ी के ऊपर, जो अपने अलॉयज देखे अभी, ये S5 मॉडल है। ये कार की साइड की लुक देख पा रहे होगे आप। गाड़ी का इतना वाइड है क्या बताऊँ मैं, मज़ेदार गाड़ी है एकदम यार। आप देख पा रहे होगे जो अलॉयज है ये बाहर से लगाए हुए, ये 20 इंच के अलॉयज है। गाड़ी की जो चाबी है कुछ ऐसे दिखती है, अभी देख पा रहे हो। ये चाबी भी आफ्टर मार्केट है, कंपनी की चाबी नहीं दे करती है। गाड़ी को अनलॉक करता हूँ, गाड़ी को दिखाता हूँ गाड़ी अंदर से कैसे दिखती है, गाड़ी के अंदर से लुक है। अभी देख पा रहे हो मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और गाड़ी जो अंदर से दिखती है वो कुछ ऐसी दिखती है। ये आप देख पा रहे हो ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊँ कुछ इसकी लाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, आपको मैं दिखाऊँ कुछ ऐसा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये S5 मॉडल है तो कितना कुछ खास नहीं लगता है। ये भी स्क्रीन आफ्टर मार्केट स्क्रीन है ये भी। अभी देख पा रहे हो ये गाड़ी का ग्लोब बॉक्स हो गया, कुछ कूल नहीं, कोई लाइट नहीं है इसके अंदर। गियर नॉब है, कितना बड़ा गियर नॉब है। हैंड ब्रेक हो गई, ये पीछे AC वेंट हो गया, कुछ स्पेस रखने की खाली स्पेस रखने की जगह हो गई। ये देख पा रहे हो कितनी सारी स्पेस है गाड़ी के अंदर। जो गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, सिंपल सोवर है एकदम, डीजल वेरिएंट। ये देख पा रहे होगे अभी जो IRVM है ये सिंपल IRVM है। जो आप देख पा रहे हो ये आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, ये भी इस गाड़ी में ये भी नहीं आता, लाइट भी आफ्टर मार्केट सारी है। आप देख पा रहे हो तो पूरा ऊपर एक बढ़िया से काम कराया हुआ गाड़ी में, इसके रूफ पे ये भी सारा आफ्टर मार्केट ही आता है। इस स्टेयरिंग में कुछ ऐसा दिखता है, जो कवर कराया हुआ भी आफ्टर मार्केट है। बाकी मैं आपको गाड़ी का एक बार पूरा एक वॉकराउंड दिखाता हूँ, अंदर से पीछे वाली सीट पर जाके गाड़ी कैसे दिखती है आपको मैं बता देता हूँ एक बारी। आप ये देख पा रहे होगे जो पीछे से गाड़ी दिखती है कुछ ऐसी दिखती है, ये बहुत अच्छी लगती है गाड़ी देखने में यार। बैक सीट्स कुछ ऐसी है, और जो लास्ट सीट्स होती है जो आप देख पा रहे होगे ये 7 सीटर आती है। ये सीट हो गई, एक सीट हो गई। गाड़ी में पूरा बढ़िया सा काम हुआ है। अगर आपको इस कार की एक मॉडिफिकेशन की वीडियो चाहिए तो मुझे जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपके लिए इसके एक मॉडिफिकेशन वीडियो भी लेकर आ पाऊँ। एक बार इस गाड़ी की ड्राइव पे चलते हैं और देखते हैं जो ये स्कॉर्पियो है कैसी गाड़ी है। स्कॉर्पियो यार इसमें कितना मज़ा आएगा गाड़ी चला के मुझे आज, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इस टाइम इस गाड़ी की ड्राइव पे आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कैसा है। गाड़ी अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं चली है, गाड़ी सिर्फ 5000 के आसपास चली गाड़ी सिर्फ, तो इसको मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो गाड़ी की पावर है यार वो बहुत अच्छी पावर है गाड़ी की यार। गाड़ी में जो काम कराया हो एक नंबर काम कराया हो भैया ने। बाकी जो इसका आप सस्पेंशन बोल सकते हो वो भी बहुत अच्छा है। तो गाड़ी के पिकअप आप देख सकते हो स्क्रीन पे कैसी आ रही होगी, बहुत अच्छी पिकअप है गाड़ी की यार, बढ़िया एकदम टॉर्क गाड़ी में मज़े से आता है। आप भी देख पा रहे होगे कितना बढ़िया है एकदम, गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है। बाकी आज हमारे साथ इनके ओनर है मनमोहन सिंह उनका नाम, आप देख पा रहे होगे वीडियो में। हेलो गाइस, आप अगर YouTube पे अगर आप नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेकर आ पाऊँ। जो ये गाड़ी है इस टाइम मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, ये गाड़ी पंजाबियों की शान और जाटों की शान होती है। तो ये स्पेशल व्लॉग है उन भाइयों के लिए जो जाट और पंजाबी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो इस मैंने उनके लिए स्पेशल व्लॉग बनाया था स्कॉर्पियो के ऊपर। स्कॉर्पियो भी है और ऊपर से ये मॉडिफाइड भी है यार, तो मतलब दोनों ही काम एक आपको दोनों ही चीज़ें गाड़ी में मिल जाती है। बाकी जो उसकी मॉडिफिकेशन हो रखी है वो बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन गाड़ी में हो रखी है। अगर आपको उसकी एक व्लॉग चाहिए, उसकी आपको एक अलग वीडियो चाहिए, मैं आपको प्रॉपर उस व्लॉग के बारे में, उस सामान के बारे में बताऊंगा कि जो उस गाड़ी में लगा हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत कुछ बाहर से फिटेड है, बहुत ही कुछ है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको गाड़ी का ये व्लॉग चाहिए ही चाहिए, एक मॉडिफिकेशन व्लॉग मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी आज हम इनके ओनर से पूछते हैं जो उन्होंने गाड़ी ली थी, गाड़ी उन्होंने कब ली थी। तो मुझे बताइए मनमोहित जी, तो हमने गाड़ी कब ली थी वाली? ये मैंने ले ली 1 मार्च 2020। ओके, तो इस गाड़ी लेने का कोई रीजन? एक तो 7 सीटर कार चाहिए थी, ऊपर से बजट में चाहिए थी, तो ये सबसे बजट में आती है 7 सीटर कार, और मॉडिफिकेशन एक नंबर होती है इस कार में। ठीक है, और ऊपर से रफ एंड टफ कार है, ये कहीं से भी ले जाओ कुछ भी कर लो, रफ एंड टफ है, ज्यादा कोई सेंसर्स वगैरह नहीं है, नॉर्मल कार है और अच्छी बनाई हुई है, मतलब मजा आया गाड़ी लगा आपको। और बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है। और इंजन की पावर कैसी लगी आपको? इंजन की पावर अगर इससे एक मॉडल ऊपर जाते तो इंजन की पावर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलती, वो 140 bhp मिलती है, 120 है, बट 120 के हिसाब से भी बहुत अच्छी कार है ये, क्योंकि ज्यादा स्पीडिंग आजकल दिल्ली में अब क्या कर सकते हैं। जो ये मॉडल है ये S5 मॉडल है, जो ये कह रहे हैं S7 में आपको 140 bhp की पावर मिलती है, पर कोई दिक्कत नहीं है, 120 bhp की पावर भी सफिशिएंट लगी मेरे को कार के अंदर, बहुत अच्छी पावर थी गाड़ी में, ऐसा कुछ मुझे लैग नहीं लगा गाड़ी के अंदर। बाकी जो आपने गाड़ी में काम कराया हुआ है वो आपने काम मतलब कुछ रीजन काम कराया कि आपको शौक है उसका? शौक क्या ही होता है, ये सारा सिस्टम वगैरह का, कलर्स वगैरह, टोनिंग, ये आपने अपने लिए करवाया कि कभी कोई घर वाला कोई बंदा आपको उसका पसंद हो? मेरी पर्सनल कार है तो मैं अपने लिए सब कुछ कराया, मतलब बहुत ही बढ़िया काम कराया हुआ यार। मैंने आपको जैसे गाड़ी का अभी पूरा इंटीरियर दिखाया था, रूफ का जो कलर है, जो हर चीज का कलर है वो बहुत एक नंबर कलर लगता है यार वो, मतलब गाड़ी में जो काम है वो एक नंबर का हो रखा है, गाड़ी उससे बहुत अच्छी लगती है यार। आप स्पॉइलर वगैरह गाड़ी में सब कुछ लगा हुआ है बढ़िया बढ़िया सा। तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए अगर आपको इसकी एक व्लॉग चाहिए, मोटिवेशन व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। बाकी आप देख पा रहे होगे कि जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ चुका है। जो इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा हो आ रहा होगा, बट जो इसमें अलॉयज लगे हुए हैं वो 20 इंच के इसमें अलॉय लगे हुए हैं, कंपनी जो अलॉय देती है वो 18 इंचेस की देती है, तो 2 इंच का जो फर्क आ रहा है उससे इसका जो व्हील बेस है वो बढ़ चुका है। और जो इसका हॉर्न की आवाज़ हमने सुनी, ये भी आफ्टर मार्केट है, ये बहुत अच्छा लगता है, आफ्टर मार्केट लगा है हॉर्न भी। तो मेरे हिसाब से जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है उससे थोड़ी लो तो नहीं होगी, हाँ आप मानते हो कि जो गाड़ी की पिकअप है, जो गाड़ी की पिकअप उससे थोड़ी सी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो अलॉयज लगा है वो हैवी अलॉयज लगा हुआ है इसके अंदर। बाकी जो अलॉयज की क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी अलॉयज की यार। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या पड़ती होगी सर? मेंटेनेंस कॉस्ट अभी तो फर्स्ट सर्विस कराई है, ठीक है, तो उसमें 3000 रुपए खर्चा आया बस फर्स्ट सर्विस में। हाँ, फर्स्ट सर्विस में क्या क्या उन्होंने चेंज किया? इंजन ऑयल चेंज किया है, एयर फिल्टर क्लीन किया है, ठीक है, और ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह जो होते हैं गियर्स के हो गए और हैंडल्स के वगैरह जो लूप्स करने होते हैं वो लूप्स किए हैं। हाँ जी, तो बढ़िया यार, कोई बात नहीं, 3000 रुपए इस गुड एंड इनफ अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट है, कुछ ज्यादा तो नहीं है। बाकी आप बढ़िया है, जो गाड़ी का आप देख पा रहे हो मीटर का सोलह में 5242 के आसपास इस गाड़ी चली है, इसकी जो एग्जैक्ट फिगर है। जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है बहुत हैवी है यार, मतलब एकदम रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग व्हील है कार का, जो बहुत अच्छा काम करता है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील यार, बढ़िया लगता है मुझे एकदम गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। बाकी आप जो स्क्रीन देख पा रहे हो कि आफ्टर मार्केट है, इस गाड़ी में एक फीचर भी आता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, उसको इन्होंने जो उसको बोला हुआ स्मार्ट हाइब्रिड बोला हुआ इन्होंने, माइक्रो हाइब्रिड, सॉरी, जो कंपनी बोलती है उसको बोलती है माइक्रो हाइब्रिड बोलती है। जो गाड़ी आप अगर गाड़ी आप 3 सेकंड से ज़्यादा गाड़ी अगर आप ऐसे स्टार्ट रखोगे वेकेंट तो गाड़ी का इंजन अपने ऑफ हो जाएगा और जैसे आप क्लच प्रेस करोगे गाड़ी का इंजन अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी फीचर है गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी में एक और फीचर आता है जो होता है, और एक तो होता है ए सी। इस गाड़ी में फीचर है एक हाई ए सी का। अगर आपको गाड़ी का ए सी की कूलिंग ज़्यादा तेज़ करनी है तो इसमें आप देख पा रहोगे इसमें 2 फीचर है। तो ये बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे गाड़ी का यार, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगती है मुझे कार की है। बाकी जो आप देख पा रहोगे जो गाड़ी की थोड़ी सी गाड़ी में जो नॉइस है वो डीजल इंजन की नॉइस है, उसमें 2000 सीसी का इंजन आता है। नॉइस थोड़ी सी मुझे लगी ज़्यादा, बाकी एज सच कुछ है नहीं प्रॉब्लम वगैरह, क्योंकि आप देख पा रहोगे जो इसका मिरर है साइड भी मिरर बहुत बड़ा मिरर है यार। आप ये मिरर आपका बहुत काम आता होगा आपको ट्रैफिक के अंदर, क्योंकि बहुत कुछ मिरर में साफ साफ दिख जाता है। बाकी ये महिंद्रा का लोगो कितना अच्छा लगता है, महिंद्रा का लोगो यार। बाकी जो उन्होंने स्टेयरिंग व्हील करवाया हुआ है, स्टेयरिंग व्हील बहुत बढ़िया लगता है करने आने में। बाकी जो इस गाड़ी में एयर बैग आते हैं वो 2 आते हैं, क्योंकि ये S5 वेरिएंट है, ये बेस से एक सेकंड बेस वेरिएंट है ये। बाकी जो टॉप मॉडल है उसमें 6 एयर बैग्स कंपनी प्रोवाइड करती है, और उसमें जो कंपनी की जो पावर होती है वो इंजन की 140 bhp की पावर कंपनी बढ़ा देती है ट्यूनिंग करके। जो इसमें पावर है वो 120 bhp की पावर है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे, गाड़ी चला के आ रही है, मज़ा आ गया गाड़ी चला के यार। बाकी मनमोहन जी, आप मुझे बताना चाहोगे कि इस गाड़ी के बारे में आपको और कुछ अपने कस्टमर्स को जो गाड़ी लेना चाहिए वाली वो ले या ना ले? गाड़ी लो, अच्छी है गाड़ी। अगर 7 सीटर में चाहिए और ऑफ रोडिंग थोड़ी सी करनी है तो उसके लिए बहुत बेटर कार है ये। अब हिल्स वगैरह पे जाना है, क्योंकि मेन फीचर इसका क्या है कि ये रियर व्हील ड्राइव है, तो रियर व्हील ड्राइव अगर आप माउंटेन्स पे क्लाइंब करते हो गाड़ी लेके तो वो पुश देती है पीछे से, तो उसके लिए ये बेस्ट है कार। मोस्टली अगर आप कार नॉर्मल लेके जाओगे वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव पुश नहीं दे पाती, वो गाड़ी आपकी फिर पीछे जाएगी। अच्छा, तो यही रीजन है एक तो कि मुझे घूमने का ज्यादा शौक है, तो एक रीजन ये था कि मैंने ये कार ली है। ठीक है, बाकी अगर आपको भी घूमने का शौक है माउंटेन्स वगैरह का तो ये कार बहुत बेस्ट है, हिल स्टेशन के लिए गाड़ी बेस्ट है इसका मतलब। चलिए, बहुत अच्छी बात है यार। दोस्तों, अगर आपको इस गाड़ी की म्यूजिक सिस्टम की वीडियो सुननी है, क्योंकि आपको पता है जो गाड़ी में काम हो रखा है बहुत अच्छा काम हो रखा है, तो उसके म्यूजिक सिस्टम होगा वही बहुत अच्छा होगा, तो आप मुझे जाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फटाफट से। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे देता हूँ एक, ताकि आप मुझे फॉलो कर पाए। और आपको अगर इस कार की एक ऑटो एकदम बढ़िया से व्लॉग चाहिए आपको इस कार की, अगर आपको जिसमें मॉडिफिकेशन गाड़ी में हो रखी है, तो मैं उसकी एक व्लॉग आपके लिए तैयार कर लेता हूँ। अगर आप मुझे बोलते हो तो कमेंट करके मुझे बताइए आपको इसकी व्लॉग की वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, वो लाल बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे लाइव अपडेट्स मिलते रहे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपको इसकी एक मोटिवेशन की वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।